हेलो स्टूडेंट्स, सो क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आज हम उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे डिटेल में और बड़े ही इजियर तरीके से। सो आप अपना पेन कॉपी और एनसीईआरटी की बुक उठा लो। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, ये पेज नंबर 43 पर फर्स्ट क्वेश्चन। 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका थोड़ा सा मास दे रहा हूं मैं। कितना मास दे रहा हूं? 0.24 ग्राम। इसमें एक तो बोरोन प्रेजेंट है और दूसरा कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। बोरोन का मास कितना दे रखा है इसमें? 0.096 ग्राम। और ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है? 0.144 ग्राम। अब हमें करना क्या है? हमें पता लगाना है कि कितने परसेंटेज तो बोरोन है और कितने परसेंटेज क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है? 0.24 ग्राम। और क्या दे रखा है? मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड। बोरोन का कितना मास है? 0.096 ग्राम है। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड कितना? 0.144 ग्राम। अब हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन? जिस भी कंपोनेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उसके मास को टोटल मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। क्या बोला मैंने? जिस भी कंपोनेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उसके मास को टोटल मास ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दोगे। और सिंस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बच्चों क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन कैसे निकालेंगे बोलो? यानी कि मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल या फिर कंपाउंड लिख लो, मास ऑफ सैंपल या फिर कंपाउंड। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मान लो आपके चार सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, पेपर हुआ, एग्जाम हुआ और चारों के मार्क्स थे 100, ठीक है। किसी बच्चे के 300 मार्क्स आए, टोटल 300 आए 400 में से। अब आप 300 को 400 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में निकालनी है, मान लो इंग्लिश में निकालनी है, साइंस में निकालनी है कि साइंस में कितनी परसेंटेज आई, किसमें से? टोटल मार्क्स में से, 100 में से नहीं, टोटल, यानी कि 400 में से साइंस में से साइंस की परसेंटेज निकालो तो कैसे करूंगा? साइंस के मार्क्स डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर साइंस की अकेली परसेंटेज निकालते तो क्या करना पड़ता भाई? साइंस में अगर 90 मार्क्स आए हैं तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो साइंस की अकेली की परसेंटेज है। बट साइंस की परसेंटेज निकालनी है बट टोटल में से निकालनी है, 400 में से निकालनी है। ऐसा ही यहां पर हमें क्या निकालनी है? सैंपल जो में बोरोन और ऑक्सीजन दे रखी है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो क्या करेंगे? जो उसका मास है उसको टोटल मास से डिवाइड करके 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर बोरोन का क्या आ जाएगा? बोरोन का मास कितना देखा है? 0.096 है ना, और कितना? 0.24 और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? 100। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के लिए क्या आ जाएगा? डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पर डेसिमल के लिए क्या आ गया? 1 आ गया, है ना, और 3 जीरो डेसिमल के बाद तो आपके कितनी जीरो आ गई? 3। और मल्टीप्लाई में क्या? 100, ठीक है। ऊपर 100 था, नीचे कौन है? 24 क्यों? क्योंकि ये मैं डेसिमल हटा रहा हूं, तो डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के लिए क्या जाएगा? 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, कितनी 0, 2, तो 1010 ये यहां से गई और ये यहां से गई, ठीक है। इसको अगर करूंगा
तो ये 4 पे जाएगा, है ना। तो कितने परसेंटेज आ गई, 4 ये रहा और 10 ये रहा, हमारा आ गया 40% में बोरोन प्रेजेंट होगा। ऐसे ही किसकी निकाल दूंगा, ऑक्सीजन की निकाल दूंगा, कैसे निकाल दूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, कैसे क्या कर दूंगा, यही फॉर्मूला लगूंगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, मास ऑफ लिख लोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल या कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या बोला मैंने, मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा यहां पर, मास ऑफ ऑक्सीजन इज कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब कितना ऑक्सीजन का मास है, ये रहा 0.144, कितना है सैंपल का मास, ये रहा 0.24। परसेंटेज निकालने तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी सोल्व कर दो, 0 के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, तो नीचे कितने जीरो लगा दूंगा, 3, ठीक है। यहां पर कितनी है, वही 2, 100 नीचे वाले का और 100 ऑलरेडी था, ठीक है, तो काट दो 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसको सोल्व करोगे, यहां पर 2 से डिवाइड करूंगा तो 12, और यहां पर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 72, और कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 60%, 6 यहां आ जाएगा और 10 यहां पर है, तो 60% तो क्या रहेगा उसमें ऑक्सीजन। ये वैसे भी देखो परसेंटेज निकाल रही है, दो ही कंपोनेंट है, एक 40% आ गया, तो 40 को कितने में से घटा दूंगा मैं, 100 में से घटा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाना चाहिए, 60% आ गया, तो कितना ही आ रहा है, 60% ही आ रहा है, ठीक है। तो जब कभी वैसा क्वेश्चन आए बच्चों कि परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के दिखा दो, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के दिखाने हैं, जिस कंपोनेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास सैंपल का, और कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, बस सॉल्व कर दो, सिंपल, ठीक है। तो इसको पॉज करके रोक के उतार लो, अगले जो आगे क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, तब तक बोर्ड में क्लीन कर रहा हूं। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है बेस्ड है किस पर, लॉ ऑफ क्या, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन क्या कहता था, ये कहता था द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास, ये कहता था ला। इस ला को समझो पहले, ला क्या कह रहा है, ला कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है तो उसमें जिस जो भी कंपोनेंट है, जो भी एलिमेंट है, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास, उनके मास की सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लो, उसमें क्या है वो कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू। अब देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है और एक कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम, तो यहां पर 12 रेशियो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। तो इसको सिंपल रेशियो करो 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3, और इसको 4 से करोगे कितना आ जाएगा, 8। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है CO2 में, 3:8 है। 3:8 का मतलब क्या है, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है,
तीन ग्राम कार्बन आठ ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कितने ग्राम CO2 बनेगी, फिर कौन सा लॉ आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तीन और आठ कितने हो जाएंगे 11, क्या बन जाएगा 3 यानी कि कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा CO2, ये कितने ग्राम कंबाइन हो रहा है 3 ग्राम, ये कितने ग्राम कंबाइन हो रहा है 8 ग्राम, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 11 ग्राम, क्योंकि 3 प्लस 8 कितना 11, इधर भी 11 होना चाहिए उधर भी 11 होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो सिंपल सी चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसमें 3 ग्राम कार्बन कंबाइन होता है कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और कितने ग्राम CO2 बनती है 11 ग्राम, ठीक है, ये रेशो फिक्स होती है, ये नहीं बदल सकते। अब न्यूमेरिकल में क्या कहा, इसने न्यूमेरिकल में कहा कि 3 ग्राम कार्बन जब कंबाइन होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो 11 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मान लिया ये सही भी कह रहा है। फिर उसने कहा कि बताओ जब कितने ग्राम बोला इसने, बताओ जब 3 ग्राम कार्बन कंबाइन होगा 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, नेक्स्ट में क्या कह दिया 3 ग्राम कार्बन कंबाइन होता है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ कितने ग्राम CO2 बनेगी। अब पहले क्या कर देंगे 3 प्लस 50 कितना कर देंगे 53, सरासर गलत है, ठीक है, ऐसा क्यों है बेटा, देखो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है कि हमेशा जो कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें एलिमेंट फिक्स रेशो बाय मास में प्रेजेंट होते हैं, फिक्स रेशो बाय मास को फिक्स होता है, तो 3 ग्राम कार्बन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या बनेगा CO2, तो ऑक्सीजन कितने भी हो भर भर के हो, ठीक है, 3 ग्राम हो बस, मतलब 8 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, मिनिमम 8 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 8 से कितने भी ज्यादा हो 100 ग्राम 100 ग्राम वट एवर जो भी है 50 ग्राम 1000 ग्राम 1 लाख ग्राम हमें मतलब ही नहीं है, वहां तो कार्बन 3 ग्राम है तो पक्का केवल और केवल कितने ऑक्सीजन कंबाइन होगी इसके साथ 8 ग्राम, ना ज्यादा ना कम, तो यहां पर 50 ग्राम दे रखी ऑक्सीजन तो 50 पड़े रहेगी, हमें क्या है इसमें से कितने ग्राम लगेगी केवल 8 ग्राम ही लगेगी, क्योंकि 3 के साथ कितनी कंबाइन होती है 8 ग्राम, अब 3 और 8 कितने ग्राम CO2 बनेगी केवल 11 ग्राम CO2 ही बनेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 ग्राम CO2 इज रिड्यूस्ड, ठीक है, कहीं वो कितना लग रहा था 53 आएगा, तो वो गलत है, ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन यहां पर लगता है, ठीक है, फोटो ले लो इसकी रोक कर फिर आगे बढ़ते हैं, फोटो ले लो, ठीक है, चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉली एटॉमिक आयन, फालतू क्वेश्चन, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली मींस मैनी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉली मींस मैनी, ठीक है, और एटॉमिक मींस ऑब्वियसली एटम्स, और आयंस का मतलब क्या था, कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज, सिंपल खत्म, यानी कि पॉली एटॉमिक आयन की डेफिनेशन पूछी है तो पॉली एटॉमिक को ही तोड़ दो, बल्कि डेफिनेशन क्या, व्हेन ए ग्रुप ऑफ एटम कंटेन्स या कैरी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, लिख लोगे डेफिनेशन, लिखने की जरूरत नहीं है, व्हेन ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज नोन एज द पॉली एटॉमिक आयन, एग्जाम्पल नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयन, कौन सा आयन है ये, नाइट्रेट आयन, ठीक है, देखो यहां पे क्या है, एक नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन है, चार चार एटम है, तो ग्रुप ऑफ एटम है, और कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या है नाइट्रेट आयन, तो पॉली एटॉमिक आयन है, H3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन, ये भी क्या है पॉली एटॉमिक आयन है, अमोनियम आयन, ठीक है, ये भी पॉली एटॉमिक है, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन ये भी पॉली एटॉमिक है, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, फ्लोराइड आयन क्या ये पॉली एटॉमिक है, नहीं पॉली एटॉमिक नहीं है, एक ही आइटम है, ठीक है, तो ये पॉली एटॉमिक नहीं है, पॉली मींस मैनी, दो से ज्यादा होने ही होने चाहिए,
ठीक है। और क्या हो सकते हैं एग्जांपल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं क्या, सल्फाइड हो सकता है SO4 3 2 negative सल्फाइड आयन हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी कई सारे एग्जांपल प्रेजेंट होते हैं, आप एक बार देख लेना ठीक है। जैसे कार्बोनेट आयन CO3 2 negative बाई कार्बोनेट आयन HCO3 negative ठीक है। तो ये एग्जांपल है पॉलीएटॉमिक आयन्स के। पॉली मींस मेनी, द व्हेन ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट इट इज नोन एज द पॉलीएटॉमिक आयन्स ठीक है। अब जितना चार्ज होता है इन पर उतनी क्या होती है वैलेंसी, वैलेंसी क्या थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हाँ कहां गया, ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड पहला मैग्नीशियम क्लोराइड तो देखो मैग्नीशियम आ गया, एक तो कौन है मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन क्या बताया था मैंने Cl-, ये कौन है क्लोराइड आयन, तो मैग्नीशियम ये रहा क्लोराइड आयन रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी, अरे वैलेंसी कितनी थी दोस्तों, वैलेंसी कितनी थी 2। और क्लोराइड आयन की वैलेंसी कितनी आएगी, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, तो आर पार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे क्या बन जाएगा फॉर्मूला क्या Mg के नीचे तो 1 को लिखा है, लिखो और क्लोरीन के नीचे कितना आ जाएगा 2, चार लिखने की जरूरत नहीं होती है ठीक है। फिर से बता रहा हूं सोडियम पोटासियम लिथियम सबकी वैलेंसी कितनी है 1, ग्रुप 1 के हैं ये ठीक है ना। कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम इस टाइप के हैं, अगर उनकी वैलेंसी कितनी है 2 ठीक है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3। आयरन की वैलेंसी कितनी हो सकती है 2 भी हो सकती है और कितनी हो सकती है 3। कॉपर की वैलेंसी कितनी हो सकती है 1 भी हो सकती है और कितनी हो सकती है 2 भी हो सकती है ठीक है। और क्या क्या थे, और भी बहुत सारे थे पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना फॉर्मूले बनाने सिखाए थे तब ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या क्या हो जाएगा MgCl2 बी, और कौन है कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम Ca ऑक्साइड बताया था O2- ऑक्साइड Cl- क्लोराइड F- फ्लोराइड Br- ब्रोमाइड I- आयोडाइड CO3- कार्बोनेट SO4- सल्फेट NO3- क्या नाइट्रेट ठीक है ना HCO3- बाई कार्बोनेट। ये याद करो जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, तो किसकी बात हो रही है ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड का मतलब O2-, ठीक है 2- लिखो या ना लिखो बट वैलेंसी कितनी होगी 2। और कैल्शियम की वैलेंसी भी बताई थी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कैल्शियम के नीचे भी 2 और ऑक्सीजन के नीचे भी 2। सिंस पहले तो कॉमन निकालो, देखो 2 से 2 कट रहा है कॉमन निकल रहा है, तो या तो पहले उठा दो या बाद में उठा दो, फॉर्मूला क्या बच गया CaO। अब कई बच्चे क्या लिखेंगे CaO, इस O ने क्या गलती कर दी, O बड़ा आएगा, O क्या आएगा बड़ा ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कॉपर नाइट्रेट अभी बता ये क्या है नाइट्रेट कौन है ये नाइट्रेट ठीक है। कॉपर का सिंबल Cu, वैलेंसी 2, नाइट्रेट क्या है NO3-, इस नेगेटिव को लिखो या ना लिखो, नेगेटिव 1 है तो वैलेंसी भी कितनी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Cu के नीचे 1 को लिखो ना लिखो, देखो अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, क्या लिखते हैं NO3-2 लिख देंगे, गलत हो जाएगा बेटा। जब कभी भी पॉलीएटॉमिक आयन हो उसको क्या इसमें लिखते हैं ब्रैकेट में, तो Cu NO3 को डब्बे में दिया ब्रैकेट में दिया, पैर के नीचे कितना लगा दिया 2, तो क्या हो गया फॉर्मूला CuNO3 की होल ट्वाइस। जल्दी से पोज करके फोटो करके इसकी फोटो ले लो, रोक कर फोटो ले लो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट में क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड
एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्या है Al, है ना, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, और क्लोराइड अभी बताया था, ये लिखा क्लोराइड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, सो Cl नेगेटिव को लिखा ना लिखो, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 अभी बताई थी, वैलेंसी याद करनी पड़ेगी बेटा जी, बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था पिछला वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है ना, जिसमें क्या बनाना है फॉर्मूला बनाना सिखा रखा है, हाउ टू फॉर्म द फॉर्मूला, ठीक है, और क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा AlCl3, एयर के पैर में 1 और सीएल के पैर में कितना हो गया 3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, ई पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम अभी लिखा था सिंबल Ca, वैलेंसी कितनी होती है 2, कार्बोनेट ये लिखा, ठीक है, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, कार्बोनेट क्या है CO3 2 नेगेटिव, वैलेंसी कितनी जितना चार्ज 2, और 2 से क्या हो रहा है 2 कट रहा है, तो यहां कितना आएगा 1 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके क्या होते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन मार्बल, घर में चूने का पत्थर लगवाते हो ना वही होता है, ठीक है, तो दैट इज नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट फॉलोइंग कंपाउंड, एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, तो फर्स्ट है हमारा, पहला कौन है क्विक लाइम, याद रख लो इसको, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं कॉमन नेम है क्विक लाइम, क्विक लाइम होता है CaO, क्विक लाइम कॉमन नेम है, कैसा नेम है घर का नेम है, जैसे कई घर का नाम क्या होता है पप्पू, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, ठीक है, पुष्पेंद्र, तो ये इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बट इसको घर में क्या बोलते हैं सब इसको प्यार से क्विक लाइम, जैसे आपको घर में क्या बोलते हैं पप्पू, ठीक है, तो इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट बेटा, जिसमें एलिमेंट बताने एलिमेंट्स प्रेजेंट, तो एक तो कैल्शियम है यस, और दूसरा कौन है ऑक्सीजन, अब ये मत कह देना एक तो सी है एक ए है, ओ माय गॉड ना, सी ए कैल्शियम और एक क्या है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड बी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या है, देखो अलग से दिख रहा है, एक तो क्या होगा हाइड्रोजन होगी और ब्रोमाइड क्या होता है ब्रोमीन यानी कि Br, ठीक है, और Br कैसे एग्जिस्ट करता है Br2 की फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है बेकिंग पाउडर इज यूज बाय योर मदर टू मेक क्रिस्पी पकौड़ा और बोले छटूरे छोले मटूरे व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर बोलते हैं जिसको, जिससे क्या बनते हैं जो भी पकौड़ा वगैरह है या फिर जो कुछ भी बना रहे हो वो क्या हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं, उससे क्या हो जाते हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसे स्टफ नहीं रहते, ठीक है ना, यानी कि कठोर नहीं रहते, सॉफ्ट बन जाते हैं, स्पंजी बन जाते हैं, ठीक है, क्रिस्पी बन जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग पाउडर वो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लो, एक ही बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है, एक तो सोडियम है और एक कौन है हाइड्रोजन है और एक कौन है CO3, कार्बोनेट क्या लिखा था ये, या फिर शायद सीधा ये कर लो बाइकार्बोनेट क्या होता है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते थे या क्या बोलते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट या तो सीधा से लिख लो HCO3 नेगेटिव, सोडियम का आपको पता है क्या सोडियम, तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है तो कौन कौन प्रेजेंट है बोलो, सोडियम है और कौन है हाइड्रोजन है और कौन है कार्बन है और कौन है ऑक्सीजन है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ये एलिमेंट आते हैं इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक होता है वाशिंग सोडा, वाशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, एक मैं वैसे बता रहा हूं यहां गा रहा है यार मेरे, वाशिंग सोडा पागल हो गया ये, वाशिंग सोडा क्या होता है, वाशिंग सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और पूरा लिखूं तो पूरा कैसे होता है ये Na2
CO3 10 वाट मोल के चिपके रहते हैं, ठीक है, Na2CO3 10H2। इसके एलिमेंट पूछे तो क्या लिखाओगे, सोडियम प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो। कौन है, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वाशिंग सोडा सोडियम, 10th क्लास में पढ़ोगे, सोडियम मैं ना पढ़ूं, छोड़ दूंगा 10th तक, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, मैं तो छोड़ दूंगा 10th को, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाशिंग सोडा हो इसको, चलो आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, वेरी थैंक यू, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां गया, ये रहा, हां हां, कैलकुलेट द, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें बेटा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, सबसे पहले इथाइन है, इथाइन, इथाइन फॉर्मूला दे रखा है, नाम से अगर नहीं पता चल रहा है तो फॉर्मूला दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इथाइन है, ठीक है, सल्फर मोलिक्यूल है, फास्फोरस मोलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, CNO3, यानी कि कौन कौन है, इथाइन, पहला इथाइन C2H2 है, ठीक है, दूसरा कौन है, सल्फर है, तीसरा कौन है, फास्फोरस है, ठीक है, और फोर्थ कौन है, आई थिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, एंड फिफ्थ कौन है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, SNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इथाइन से शुरुआत करते हैं, मास निकालना है, इथाइन याद करो, बोले महा जब आपको मोलर मास के डेफिनेशन बता दी, मोलर मास क्या है, इट इज द सम ऑफ मासिस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला, क्या वीडियो सही चल रही है, यस सर, तो इट इज द सम ऑफ मासिस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए गिवन फॉर्मूला, ठीक है, कि गिवन फॉर्मूला में जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास को जोड़ दो, तो इथाइन क्या है, इथाइन है C2H2, तो मोलर मास कैसे निकालूंगा, एमएम मोलर मास कैसे निकालूंगा, दो कार्बन है, दो मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन है ना जी, प्लस दो क्या इसमें हाइड्रोजन, तो दो मल्टीप्लाई मास ऑफ वन हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टू मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 ग्राम, तो टोटल कितना आएगा 26, कितना आ गया 26 ग्राम, सिंपल खत्म। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड एसिड, एसिड का मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ एसिड बड़ा ही सिंपल है, कितने सल्फर है, 8 सल्फर है, तो 8 मल्टीप्लाई मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर और कुछ नहीं है इसमें, तो सल्फर का मास कितना होता है 32, ठीक है, तो 8 24 और 25 256 आ जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ फास्फोरस, मास ऑफ फास्फोरस, तो मास ऑफ फास्फोरस कितने फास्फोरस हैं, 4 फास्फोरस के आइटम है ना, और एक का मास ऑफ फास्फोरस, मास ऑफ फास्फोरस एक का, तो 31 होता है इसका, कितना आ जाएगा 4 124 आ जाएगा, कर लोगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन, ऐसे लिखोगे मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 ग्राम, क्लोरीन का मास कितना है 35.5, तो एचसीएल का मास कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। एंड लास्ट मास ऑफ नाइट्रिक एसिड SNO3, HNO3, तो कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है प्लस एक ही नाइट्रोजन है, मास ऑफ नाइट्रोजन, अब कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3, यानी कि 3 × मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और 3 है तो 48, तो ये हो गया, और ये हमारा 62 63 होगा, आंसर कितना आ जाएगा 63 ग्राम। तो बड़ा सिंपल सा है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कई बार फॉर्मूला दे देता है, वरना आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, याद कर लोगे, कुछ बनाना सिखा लोगे, धीरे धीरे होता जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो सम ऑफ द मासिस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, फोटो ले लो, रोक कर इसको जल्दी से ले ली, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े बेटा प्लीज, जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, जिसने मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी वो कर देगा, बाकी वीडियो दोबारा देखें और क्या, ठीक है।
तो ये कह रहा है वन मोल कैलकुलेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो सेवन क्वेश्चन है ये, सेवन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, किसका मास निकालना है, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये बताई थी, किसी भी चीज का वन मोल, किसी भी वन मोल का मास पूछ ले तो किसके मास के बराबर होता है, अगर एटम है तो उसके एटोमिक मास के इक्वल हो जाएगा, एटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल होता तो किसके इक्वल हो जाता, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फलाना फलाना जो भी है। तो एटोमिक मास कितना होगा नाइट्रोजन का, 14 ग्राम। तो आंसर कितना आ गया, 14 ग्राम, यानी कि वन मोल नाइट्रोजन किसके इक्वल होता है, 14 ग्राम, उसके एटोमिक मास के इक्वल होता है। तो सिंपल कुछ भी नहीं था इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन, इनके सेकंड पार्ट इसका, फोर मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स है, फोर मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स है, फोर मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम है ये, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो देखो फोर मोल का निकालना है, हमें पता है, वी नो दैट मास ऑफ वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, किसी का भी एक मोल का मास पूछ ले तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो एक मोल एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, उसके एटॉमिक मास की बात कर रहा है, और एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 ग्राम। तो एक का कितना है, 27 ग्राम है, तो चार का कितना हो जाएगा, मास ऑफ, चार का पूछा ना, मास ऑफ फोर मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो कितना होगा, एक का इतना है तो चार का पूछा, चार से क्या कर दूंगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक है, 108 आ जाएगा, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। बस एक ही चीज याद रखनी है, अगर एटॉमिक मास एटम है तो एटॉमिक मास एक मोल के, और मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास उसका एक मोल के होता है। नेक्स्ट है, हाँ, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट, पागल हो गया क्या, कितनी बार बोल लेगा, सिर दर्द करते हैं, ठीक है, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट, ठीक है। अब सल्फाइट मैंने बताया था बच्चों, सल्फाइट क्या होता है, SO3 2- और सल्फेट क्या होता है, SO4 2-, ये फर्क होता है। सल्फाइट बोला है तो ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला मान लो, अगर फॉर्मूला दे रखा है फिलहाल SO3 दे रखा है, नहीं दे रखा तो उसको बना भी लेते, कैसे बनाते, सोडियम का Na सिंपल, सल्फाइड क्या है, SO3 2-, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, तो वैलेंसी, सोडियम ग्रुप 1 का है तो 1 वैलेंसी, तो क्या बन जाएगा, Na2SO3, और दे भी जाता है, ठीक है। तो पहले हमें 10 मोल का मास निकालना है इसका, तो पहले हम क्या कर लेंगे, 1 मोल का मास देखेंगे, 1 मोल का मास मतलब उसके एटमोलर मास की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर ना, एक्चुअली ये क्या है, इसका फॉर्मूला मास आएगा, यानी कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na2SO3 कैसे निकालेंगे, भाई जो इसमें मास है इसका, इसका मोलर मास निकाल दो या फॉर्मूला मास निकाल दो, सिंपल जोड़ दो, क्या, 2 सोडियम है, 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ सोडियम है ना, ब्रैकेट में, फिर कौन है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ये SO3, देखो यही चीज होती है, Na के पैर में कौन है, 2 है, तो सोडियम 2 है, सल्फर के पैर में क्या, 1 है, तो सल्फर कितना, 1 है, और ऑक्सीजन के पैर में कितने, 3 है, तो ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, तो मास ऑफ सल्फर, ठीक है, और प्लस में क्या है, 3 मल्टीप्लाई, प्लस में है ये, यहां लिखता हूं कोई बात नहीं, 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या वीडियो सही चल रही है, चल गई, यस, ठीक है, तो क्या है, 2 सोडियम का मास कितना होता है, 23, ठीक है, और मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32, 3 × मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो यहां से कितना हो गया, 46 ये हो गया, 32 ये हो गया, और यहां से 48 ये हो गया, तो कुल मिलाकर 6, ठीक है, और कुल मिलाकर 126 है, तो कितना आया, 126 है, तो 126 है एक मोल का, 126 है एक मोल का, कितने मोल का पूछा है, 10 मोल का पूछा है, तो एक मोल Na2SO3 हैज मास कितना,
कहां गया 126 है, तो 10 मोल का पूछा है, 10 मोल Na2SO3 हैज मास, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 126 आंसर। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा निकालना पड़े कि 40 मोल का निकाल दे, 2 मोल का निकाल दे, 10 मोल का निकाल दे, फलाने मोल का निकाल दे, 1 मोल का निकाल लेंगे। 1 मोल का मास किस इक्वल होता है, जो उसका फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके मास को जोड़ दो क्या। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो फटाफट, अरे फटाफट पढ़ो, अरे भाई फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्वर्ट इनटू मोल, 8th क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मोल, तो पहला हमारा कन्वर्ट इनटू मोल, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो इसमें थोड़ा सा आपको एक सावधानी बरतनी है, जब ऑक्सीजन गैस की बात करें तो फॉर्मूला लेना O2, और ऑक्सीजन एटम की बात करें फॉर्मूला लेना है अकेला O, तो यहां पर किसकी बात, किसने ऑक्सीजन गैस की, किसकी बात की है, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इसने कहा कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखी है, 12 ग्राम ऑफ O2 गैस। ठीक है, फाइंड मोल, ऐसा ही बोला ना, फाइंड मोल से हेड, तो मैंने बताया था मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पिछला वीडियो लेक्चर इसमें लिखा है मोल वाला, तो मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास या एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो जाएगा उसका। ठीक है, तो देखो गिवन मास कितना है, यहां पर गिवन मास दे रखा है, ये गिवन मास है, ये क्या बेटा दिया है उसने, गिवन मास कितना 12 ग्राम। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास अभी बार बार आ रहा है, मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास, मोलर मास की जगह मोलिकुलर मास भी लिख दो, कंफ्यूज मत होना, मोलिकुलर मास। ठीक है, एक ही बात होती है, और मोलिकुलर मास कैसे बताया था मैंने, निकलना है जो एटम हो के मास को जोड़ दो, तो O2 में कितने ऑक्सीजन है, दो मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 32, तो ये मोलर मास है। तो मोल्स कैसे निकल जाएंगे, इनके गिवन मास इनके 12 डिवाइडेड बाय 32, 3/8 आंसर, सिंपल खत्म। ठीक है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, लेट मी चेक वीडियो से, फिर क्या बार बार देखना पड़ता है मुझे, सो नेक्स्ट हमारा 20 ग्राम ऑफ वाटर, यस 20 ग्राम ऑफ वाटर बी, ये सेकंड पार्ट है, 20 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो इसका वैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास यानी कि GM किसका, गिवन मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2O, तो H2O का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, सभी को पता है, बच्चे को पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो तो हाइड्रोजन है इसमें, यानी कि टू मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है 8, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितना आ गया 18, तो यहां पे क्या आ जाएगा, गिवन मास कितना है 20 और मोलर मास कितना है, मोलिकुलर मास कितना 18, तो कितना आ गया ये 10/9 मोल आ गया, 10/9 मोल। ठीक है, नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है CO2, तो उसका मास निकाल दो जल्दी से फटाफट, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन प्लस 2 × मास ऑफ क्या ऑक्सीजन, CO2 का मास, अरे निकाला था ना CO2 का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, एक कार्बन है तो मास ऑफ कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है तो मास ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का मास कितना है 12, 2 ऑक्सीजन मास कितना है 16, तो कितना आ गया 44। ठीक है, और गिवन मास कितना है, गिवन मास 22 दे रखा है, तो 22 डिवाइडेड बाई पोलर मास,
मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.4 सॉरी 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है, तो खत्म हुआ ये। फिर है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। व्हाट इज द मास ऑफ, देखो पहले मोल निकलवाए, अब मोल दे रखे मास निकलवा रहा है, तो निकाल दे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द मास, सॉरी व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब जिस चीज का जिक्र कर रहा था वो आ गई थी। देखो इसी के फर्स्ट पार्ट में मास ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखा था 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस क्या लेते हैं, मैंने बताया था ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं O2, लेकिन जब क्या दे रखा हो ऑक्सीजन एटम दे रखा हो तो अकेला क्या लेना है O, अकेला O, अकेले O का मास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है 0.2 मोल दे रखे हैं, 0.2 मोल का मास निकालना है किसका, O एटम्स का, ऑक्सीजन एटम्स का निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। कैसे, हमें पता है वी नो दैट 1 मोल ऑफ यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना मास होगा उसके एटॉमिक मास के, कितना 16 ग्राम। तो 1 मोल का 16 है तो 0.2 कितना हो जाएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 मल्टीप्लाई 16 कितना गया 32 यानी कि 3.2 ग्राम, ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, यानी कि एक बकरी का मास कितना है 100 ग्राम, तो 10 बकरी का कितना होगा 100 × 10। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही किया मैंने। एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो कितने ऑक्सीजन थे 0.2, आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई आंसर। ठीक है ना, तो मोल से मास बनाना है, तो मोल जितने भी हैं उसके एटॉमिक मास या मोलर मास से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे 0.4 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 0.24 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास निकाला था आपने, कितना आया था 18 ग्राम आया था, 1 मोल वाटर का मास निकाला था, 1 मोल H2O हैज मास कितना अभी निकाला था, कितना देख लो 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 × 1 = 16 कितना था 18। तो 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर कितना मास है 18, इसमें पूछा कितना है 0.5 मोल, तो 0.5 मोल ऑफ H2O हैज मास कितना हो जाएगा बेटा जी, 0.5 की और 18 की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 3.6 नहीं 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा 0.2, तो बस सिंपल। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द, नहीं 10th क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सब वीडियो वगैरह सही चल रहा है, यस ठीक है। क्या दे रखा क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सल्फर 16 ग्राम ऑफ सल्फर, क्या दे रखा है 16 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल एसिड दे रखा है, तो इसमें क्या निकालने हैं हमें फाइंड आउट मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मोल्स निकालने होते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल तब भी आएंगे, पहले मोल निकलते हैं फिर मॉलिक्यूल्स, पहले मोल फिर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जी मतलब गिवन मास, एमएम मतलब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास 16 ग्राम, ये दिया है कितना है, ये दिया है ये 16 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फर 8 का, यानी कि कितने सल्फर है 8 और एक का कितना होता है एक का 32 यानी कि 256 आ जाएगा 256, तो कितना लिख दूं 256 है। ये कितने आ गए मोल आ गए, क्या आ गई ये मोल आ गए। ठीक है, इससे कट भी रहा है आई थिंक 1 पे जाएगा, 1 पे जाने के बाद ये कितना आ जाएगा बोलो आई गेस 4 9 16 ही जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट है ये,
ठीक है ना, स्क्वायर है सॉरी, तो 1 बाय 16 आ गए, कितना आ गए ये 1/16 मोल आ गए। अब मोल आए हैं, अब हमसे क्या पूछा, मोलिक्यूल। अब मोल कॉन्सेप्ट का वो लम्हा याद करो जब आपको बताया था 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 चीजें। एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 चीजें, चीजें कुछ भी हो। अब यहां पर जैसे 1 मोल सल्फर 1 मोल एसिड का मतलब क्या है, इसका मतलब है 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 एसिड मोलिक्यूल्स, यही मतलब है ना। अरे एक मोल में इतनी चीजें होती है, एक मोल बनाना इतने बनाना, एक मोल एसिड कितना होगा, इतने एसिड है तो एक मोल में इतने है, हमारे पास कितने मोल है 1/16, सो 1/16 मोल एसिड इज इक्वल टू 1/16 से मल्टीप्लाई कर दो 10^23, सोल्व करोगे अप्रोक्स कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 10^16 एसिड मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर मास से रखा है, मास से पहले कैसे क्या निकालेंगे, मोल, मोल कैसे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूल, तो मास मोलिक्यूल मास निकालेगा फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है, जितने भी उसके एटम दिख रहे हैं उनका मास जोड़ दोगे। फिर एक मोल में इतनी चीजें होती हैं और हमारे पास मोल कितने हैं 1/16, तो आंसर आ जाएगा सिंपल। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी बच्चे इसमें क्या करते हैं, टाइम प्रैक्टिस कर जाते हैं अनलेस उसको छोड़कर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में है, वीडियो चल रही 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 है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.015 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, कैसे रखा है बेटा जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ ना चाहिए क्या, Al2O3, Al2O3 कैसे निकाला मैंने, मुझे क्या पता, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है, Al और ऑक्साइड क्या होता है O2 नेगेटिव, ठीक है, टू नेगेटिव को मत लिखो, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो क्या आ जाएगा Al2O3, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो Al2O3 का मोलर मास निकाल लेते पहले, मोलिक्यूलर मास निकाल लेते, मोलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जितने एल्युमिनियम है कितने 2, तो 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ एल्युमिनियम है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, अरे ऐसे निकालते ना मोलिक्यूलर मास, जितने भी टाइप के एटम हैं उनको सब सभी के मास को जोड़ दो, तो मास ऑफ एल्युमिनियम, मास एल्युमिनियम कितना होता है 27, 3 इंटू मास ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 54 और ये कितना हो गया 48, तो हमारा मास आ गया यहां पे कितना आ गया 2 और यहां पे कितना आ गया 102, तो कितने ग्राम आ गया, यानी कि मोलर मास ऑफ Al2O3 कितना आ गया 102। ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, क्योंकि पहले मुझे मोल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मुझे मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां तक उतार लो एक बार, उतार लिया ठीक है, तो यहां पर यानी कि मोलर मास ऑफ Al2O3 mm of Al2O3 कितना है 102 ग्राम, ठीक है, अब इधर निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकालूंगा मोल्स ऑफ Al2O3 इन कितने ग्राम में 0.0015 ग्राम में, कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे निकालते हैं ना, मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास कितना है, ये रहा कितना 0.051 ग्राम, और मोलर मास कितना है, ये रहा 102 है ये, ठीक है 102 ग्राम, तो इसको सॉल्व करो डेसिमल के लिए 1 और कितने 0 1 2 3 और ऊपर कितना आ जाएगा 51 और नीचे साथ में कौन है 102, तो ये इसका डबल है ना 1/2, तो 1/2 और नीचे कौन है 1000, तो 1/2 कितना लिख सकता हूं 0.5, 1/2 मतलब 0.5 हाफ है, देखो 10^3 है ये, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10^-3, अरे भाई 1/1000 है ये, 1/1000 को कैसे लिख सकता हूं 1/1000 को लिख सकता हूं 10^3 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10^-3 लिख सकता हूं, ठीक है, तो कितने मोल आए 0.5 × 10^-3 मोल आए, ठीक है, मोल से क्या निकलते हैं मोलिक्यूल, मोल से क्या निकलते हैं मोलिक्यूल, मोल से क्या निकलते हैं मोलिक्यूल, ठीक है, अब देखो
पहले क्या आएंगे मोलिक्यूल, इधर वाला लिख लिया था ना मोलिक्यूल, तो वन मोल Al2O3, वन मोल Al2O3 कितने मोलिक्यूल होंगे भाई, एक मोल में तो इतने होते हैं 6.022 × 10⁻³³ Al2O3 ऐसे ही होते हैं ना, एक मोल कुछ भी, एक मोल स्केच इतने स्केच, इतने स्केच है, तो एक मोल Al2O3 इतने मोल, एक मोल में इतने हैं हमारे पास मोल कितने हैं इतने, तो 0.5 × 10⁻³ मोल Al2O3 इसके क्यों हो जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे उसमें, इतने मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल, कितना हो जाएंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.5 × 10⁻³ 0.602 इसको 6 ही ले लो, राउंड ऑफ 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है 6 ले लिया मैंने, ठीक है × 10⁻³³ ठीक है, तो ये नंबर कितना का 5×30 यानी कि 3.0 मल्टीप्लाई, देखो एक तो 10⁻³ है और उसमें ये नंबर कट जाएगा है ना, बेस अगर सेम हो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो जुड़ेंगे इसको यानी कि 23 + -3 क्या हो जाएगा यानी कि 23 - 3 तो कितने मोल आए, कितने मॉलिक्यूल आए सॉरी इतने आगे, इतने क्या आए Al2O3 मॉलिक्यूल्स आए हैं अभी तक, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, उसमें पूछा है एल्यूमिनियम आयन बता दी, एल्यूमिनियम आयन पूछे हैं, तो लास्ट स्टेप बचता है देखो एक Al2O3 में, एक Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम नजर आ रहे हैं दो, देखिए एक Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम त्रिपोस्ट आयन है दो, अभी फार्मूला भी बनाया था ना ऐसे करके, एल्यूमिनियम त्रिपोस्ट कितने थे, कितने वैलेंस थे इसकी दो और तीन, और जो O2 नेगेटिव है इसकी कितनी थी तीन, यानी कि क्या फार्मूला बना था Al2O3 यानी कि कितने एल्यूमिनियम है नीचे, देखो एल्यूमिनियम के पैर में देखो नीचे दो ठीक है, तो एक Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम आयन है दो, तो इतनों में कितने होंगे दो से मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁻²⁰ Al2O3 हैज इतने आयन्स है दो से मल्टीप्लाई करो इसमें इतना आ गया 6 × 10⁻²⁰ सॉरी 20 है ना यहाँ पर 20 इतने आयन्स आ जाएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले क्या निकालते हैं किसी भी चीज से मास दे रखा, मास से मोल निकालेंगे, मोल से क्या निकाला मैंने मॉलिक्यूल निकाला, एक मोल में इतने होते हैं तो इतने मोल में क्या होंगे इतने होंगे, एक और फर्दर स्टेप था एक Al2O3 में दो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हैं तो इतनों में कितने होंगे दो से मल्टीप्लाई कर दो, सो थैंक यू हैव अ नाइस डे।